अररिया के DDC इनामुल हक अंसारी के सेवानिवृत्ति पर जिला परिषद के सभा भवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम, पूर्व अध्यक्ष सगुफ्ता अजीम के साथ कई प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान उन्हें सेवानिवृत्ति के दरमियान भावभीनी विदाई दी गई। 6 जुलाई 2018 को अररिया में DDC के पद पर आसीन हुए थे इनामुल हक अंसारी। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए DDC ने कहा कि सरकारी सेवा से सेवा मुक्त एक स्वतः प्रक्रिया होती है। सभी को एक दिन सेवा मुक्त होना है, लेकिन सेवानिवृत्ति के क्षण तब सुखद होते हैं जब बेदाग सेवानिवृत्ति होने का अवसर प्राप्त हो। अररिया के DDC काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। हर परिस्थिति में वह शालीनता के साथ अपने कार्य को करते रहे हैं। कुल सादगी की जीवन जीते हैं और अररिया जिला के विकास में कम ही दिनों में काफ़ी बढ़ चढ़ के मेहनत किया कि अररिया को सुंदर अररिया बनाने के लिए और अधिक से अधिक विकास पहुँचे ज़मीन तक, उस पर उनकी काफ़ी मेहनत रही है। और माननीय सदस्यगण और जो पंचायती राज के प्रतिनिधिगण रहे, इन लोगों से इनके बड़े अच्छे रिश्ते रहे। इन लोगों ने जो समस्याएं रहीं गरीब इन क्षेत्रों का काफ़ी गंभीरता से हमेशा लिया और उसका निष्पादन किया। लोगों में इन्होंने न सिर्फ एक पदाधिकारी के नाते एज ए इंसान इन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी पहचान और मेम्बरों के दिल में जगह बनाई थी और सारे लोग इनके जाने से दुखी हैं। और इतना मजबूत रिश्ता इन्होंने बनाया कि शायद हमारे माननीय जो प्रतिनिधिगण हैं ये इनको कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? आफताब अजीम उर्फ पप्पू, अध्यक्ष जिला परिषद अररिया। देखते हैं इस कार्यकाल को उनके DDC साहब को जब हम लोग विदा कर रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि DDC साहब बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत ही अच्छे व्यवहार से उन्होंने जिला परिषद के तमाम जो पदाधिकारी थे या जो कर्मी थे या जनप्रतिनिधि थे उनके साथ उनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। छोटी छोटी समस्याओं को इतना आसानी से हल करना, इतना एक्टिव वे में सारे फाइल को उनका निष्पादन करना और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करना, ये उनकी एक बड़ी खूबी थी। और उन्होंने जो अररिया ज़िला के लिए किया, जो उनके माध्यम से जो काम हुआ है, वाकई बहुत सराहनीय है। दूसरी बात ये कि ये एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार अफसर रहे। हमने अपनी कार्यकाल में, चूँकि लगातार जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों का जो अनुभव है 20 वर्षों का, कई पदाधिकारियों के साथ रहा, लेकिन ऐसे DDC जो बिल्कुल महात्मा टाइप अपने तनख्वाह पर और सरकारी तनख्वाह के अवज़ में जो उन्होंने मजदूरी करी है, वाकई सराहनीय रहा है। इनके जाने से हम तमाम लोग को बहुत दुख है, लेकिन ये तो आने और जाने की परंपरा सरकारी प्रावधानों में लगी हुई है, नियमों में लगा हुआ है, इसलिए वो आज यहाँ से रिटायर किए और यहाँ से वो विदा ले रहे हैं। इसलिए हम लोग को काफ़ी दुख है कि हम लोग के एक बहुत अच्छे एक मार्गदर्शक बन कर के भी उन्होंने हम लोगों को एक अच्छा रास्ता भी दिखाया है, तो इस बात का मैं अफसोस है। अररिया में जितने दिन हम रहे उसमें मुझे ये आज के प्रोग्राम से ये महसूस हुआ कि आदमी अगर अपने काम को थोड़ी भी तरीके से और कायदे और अपनी वफादारी के साथ कर ले थोड़ा भी, तो यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत देते हैं। यहाँ काम करके कैसा लगा सर आप, क्योंकि बहुत जगह काम किए हैं और अररिया लास्ट पोस्टिंग आपका हुआ था, कैसा रहा यहाँ का वक्त? काम करने का अंदाज सभी जगह ऐसा ही रहा, यहाँ के लोग ज़्यादा हमें मोहब्बत वाले मिले, रिस्पॉन्सिव मिले, और मुझे लगा कि यहाँ अगर थोड़ी सी भी मेहनत की जाए तो बड़ी आसानी से लोग सही रास्ते पर आ जाएंगे। अररिया से जाते वक्त सर को एक याद है सर, याद जो आपके जहन में हमेशा रहे, कुछ ऐसा वाकया गुजरा हुआ अररिया में? बस वो आज का वाकया था कि मुझे गुमान नहीं था कि लोग इतने मोहब्बत करने वाले हैं।